कॉरपोरेशन के आईपीओ में लगाए पैसा, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म इसे पोर्टफोलियो में रखे। 12-15% सालाना रिटर्न एफडी से दुगुना आपको ये स्टॉक आराम से बिना किसी तनाव के देगा। ये थी हमारी राय जब ये आईपीओ आया, और जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके लिए आप देख लीजिए 94 रुपए की इश्यू प्राइस और 140 रुपए के ऊपर का दाम, यानी कि करीबन करीबन आपके लिए 45% के रिटर्न दो ट्रेडिंग सेशन में कल और आज, और अभी तक आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ नहीं है। तो पहले दिन लिस्टिंग के बाद सर्किट लगता हुआ। रेलवे की यह कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है, 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देने का यह कारोबार करती है और पूरे देश में जबरदस्त नेटवर्क इस कंपनी का है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएमडी पुनीत चावला साहब। चावला साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दमदार लिस्टिंग के लिए शुक्रवार को भी, और आज भी आपके स्टॉक में तगड़ी परफॉर्मेंस आई है और आपके निवेशकों ने अच्छी वेल्थ अपनी लिस्टिंग पर बनाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। शुक्रिया जी। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं, जो आईपीओ आया है आपका, उसमें जाहिर सी बात है कि सरकार ने ही अपनी हिस्सेदारी ज्यादा बेची है, लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि रेलटेल की अगले एक साल दो साल के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी। सबसे पहले वित्त वर्ष 2022, अब ये पहली अप्रैल से जो नया साल शुरू होने वाला है, इसके बारे में एक अंदाजा दें ये साल कैसा रहेगा रेलटेल के लिए सर। कि इस साल की अगर बात करें जी, तो आपने जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स हमारे देखे हैं उसमें हमारे टर्नओवर करीब 15% लास्ट ईयर से ऊपर थे, और अभी जो है दिसंबर तक की हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी जो है रही है, और मैं रिजल्ट्स आपके साथ अभी शेयर कर नहीं सकता हूं, पर यही कह सकता हूं कि परफॉर्मेंस उससे लास्ट ईयर से बहुत अच्छी रही। और जो हम फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे आएंगे ये वाला FY21, ये भी हम इट विल बी वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा होगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अगर अगले साल की बात करें, हमारे ऑर्डर्स बुक जो है हमारी बढ़ती जा रही है और हमें और प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जिनमें कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी है, लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म से ये कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए वो प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए जो हमें 2022 में जो रिटर्न्स देगी जिसकी वजह से टर्नओवर हमारी ज्यादा आएगी, तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं हमारे पास। एंड देन जो फाइनेंशियल ईयर 22 की टर्नओवर है वो 21 से भी काफी अच्छी होने की उम्मीद है। तो परफॉर्मेंस इस साल और बेहतर रहेगी, पिछले 6 महीनों के मुकाबले में ये परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। टर्नओवर की आपने बात की और ऑर्डर्स की बात की, शॉर्ट टर्म भी है लॉन्ग टर्म भी। चावला साहब आज ये खबर भी आई, 106 करोड़ का ऑर्डर आपको एक मिला है रेलवे से जो 18 महीनों में आप पूरा करेंगे। इसके साथ बताएं कि इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है और कितने समय में आप आमतौर पर इन ऑर्डर्स को पूरा करते हैं। देखिए हमारी अभी ऑर्डर बुक करीब 4000 करोड़ की है। ओके। और जैसे मैंने बताया कि ये लगातार बढ़ रही है, अभी आपने बताया कि अभी जैसे कि आपने बताया कि अभी हमें 100 करोड़ का रेलवे सिग्नलिंग का प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर नए मिले हैं। ये हमारा रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स का एक नया फील्ड जिसमें ये कंपनी एंटर करी है वेरी रिसेंटली, 1.5-2 साल से ही एंटर करी है, तो अब इसमें हमें ऑर्डर्स मिलने बहुत अधिक अधिक मात्रा में शुरू हो गए हैं और आगे भी होते रहे। और कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म है, जैसे हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का करें, तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें एक साल में कंप्लीट करना, तो इसकी पूरी की पूरी टर्नओवर जो है हमें इस साल जो है वो हमारी नेक्स्ट ईयर में आएगी। सिमिलरली हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ई ऑफिस की हमारी करंट ईयर में हमने ये 2 साल में पूरा प्रोजेक्ट जो है भारतीय रेलवे के लिए कंप्लीट कर, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स शॉर्ट टर्म है। कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हमारा ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है ये एक लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट है जो 3-4 साल लगते हैं। इस तरीके से वी हैव गॉट अ मिक्स ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट, जिससे हमारी इमीडिएट ग्रोथ भी होगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होगी। ओके, ठीक बात है।
तो ये है आपके लिए। मैं जो देख रहा था साहब, आपकी सेल्स पिछले 3 सालों में मार्च 2018 में 976 रही आय जो आपकी ऑपरेशन से, और लीज रेवेन्यू से रही 300 करोड़ के आसपास की, और 19 में 20 में लगभग यही रहा। इस साल जरूर थोड़ी तगड़ी बढ़त दिख रही, तो ये समझे कि समझिए आपके पास अगर 4000 करोड़ के ऑर्डर है, यानी कि आपके पास 3 साल अगर और नया ऑर्डर ना भी मिले तब भी आपके पास अगले 3 साल काम करने के लिए सफिशियंट ऑर्डर है, राइट सर? जी जी, सफिशियंट ऑर्डर है। ये सिर्फ जो मैं ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स, हमारे टेलीकॉम सर्विसेज के एक सेगमेंट है, हमारा एक डेटा सेंटर का सेगमेंट है और हमारा ये प्रोजेक्ट्स का सेगमेंट है। तो टेलीकॉम सर्विसेज का सेगमेंट है वो हमारा सस्टेनेबल है, वो सस्टेनेबल चलता रहेगा। जैसे हम भारतीय रेलवे के लिए या कोल सेक्टर के लिए उनका हम टेलीकॉम नेटवर्क हमने बिल्ड करके रखा है, तो उसको हम मेंटेन भी करते हैं, कंटिन्यूअसली मेंटेन करेंगे, 5-5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने की इनकम है वो तो हमारी कंटिन्यूअसली चलेगी ही, डेटा सेंटर की हमारी इनकम जो है वो हमारी चलेगी ही। ये उसके ऊपर 4000 करोड़ के उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर बुक है ये उसकी बात में था। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि आपके जो डिविडेंड हिस्ट्री में देख रहा था, 2018 में आपने 1.60 रुपए डिविडेंड दिया, 19 में 1.95 रुपए और 20 में 1.44 रुपए। डिविडेंड को लेकर क्या पॉलिसी है, कितना डिविडेंड आप देते, कितना प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आगे किस तरह का आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी सर? डिविडेंड की पॉलिसी ये है कि ये हमारा 5% ऑफ नेटवर्थ रहता है या 30% ऑफ पैट रहता है, जो भी ज्यादा होता है। तो इसी तहत हमने लास्ट ईयर जो है 68 CR का डिविडेंड हमने दिया, और इस साल जो है क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम सर्टेनली इसको, और ये प्रॉफिट भी हमारा जो है ज्यादा होगा लास्ट ईयर से, तो इसलिए हम इसका डिविडेंड ज्यादा देंगे, इट विल बी अकॉर्डिंगली एज पर दैट। अच्छा चावला सर, एक सिंपल चीज मुझे समझाएंगे। आमतौर पर मैं देख रहा हूँ आपका 1200 से 1500 करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, कंपनी का दोनों ऑपरेशन से मिला के, लीज ऑपरेशन दोनों मिला के। ये कितना बढ़ेगा साल दर साल, अंदाज एक दे पाए कि 2021 में इतना, 2022 में इतना, ये इससे एक अंदाजा लगा सके आपके इन्वेस्टर की भाई कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी, क्योंकि नई नई कंपनी अभी लिस्ट हुए हैं तो लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, तो कंपनी 3-5 साल में क्या हो जाएगी वो मैं सोच के आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड अगर रहना चाहता हूं तो उसका एक अंदाजा दीजिए। देखिए, मैंने आपको भी बताया कि हमारे 3 मेजर सेगमेंट है, टेलीकॉम सेगमेंट है, हमारा डाटा सेंटर सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है सेगमेंट है, और तीसरा हमारा प्रोजेक्ट सेगमेंट। हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जो टेलीकॉम सर्विसेज में हमारा लीज लाइंस की रिक्वायरमेंट, ब्रॉडबैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिक्वायरमेंट, हम और आप आज जो है बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ये सर्विसेज हमारी सब बढ़ती जा रही है। हमारी अगर ब्रॉडबैंड सिर्फ सर्विसेज की बात करूं तो पिछले 10 महीनों में वी हैव ग्रोन बाय 2.55 टाइम्स। सिमिलरली हमारा जो डेटा सेंटर है वो भी हमारा बढ़ता जा सर्विसेज, तो और प्रोजेक्ट समय और जो है मिल ही जो है रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि हम अगले 2 साल में 2000 करोड़ तो पार कर ही जाएंगे, और अगर आप 4 या 5 साल की बात करते हैं तो इट विल टच 5000 CR हमारी जो टर्नओवर, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं सीइंग द प्रोजेक्शंस। चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया सर, लिस्टिंग के बाद आपने बात की जी बिजनेस से, और एक बार फिर से आपको आपकी कंपनी और रेलटेल के सारे आपके पूरे कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए। और